छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महिलाओं की साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज चोरी करने वाला एक चोर पकड़ में आया है। इन कपड़ों को पहनकर वह चोर डांस करता था। चोर का कहना है कि ऐसा करने में उसको अच्छा लगता था। मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र का है। जिले में महिलाओं के कपड़े लंबे समय से चोरी हो रहे थे। महिलाएँ जब भी कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए बाहर टांगती, वो गायब हो जाते थे। पकड़े गए आरोपी चोर ने बताया कि वह करीब 4 साल से कपड़ों की चोरी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक रानी कोम्बो गांव के कृषि अधिकारी सिलील कुजूर के घर से साड़ियां चोरी हो गई। उन्होंने 18 अक्टूबर को इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसने बताया कि वह 12 अक्टूबर को पत्नी के इलाज के लिए बाहर गए थे। जब लौटे तो घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। अंदर गए तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और अलमारी में रखी 7 साड़ियों की चोरी हुई है। बाकी सामान सही सलामत था। बार बार महिलाओं के कपड़े चोरी की शिकायतें पर पुलिस ने जांच की और चिटकवाइन गांव निवासी इमिल तिर्की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी इमिल तिर्की से कई साड़ियां बरामद की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांव-गांव जाकर घरों के बाहर सूख रहे महिलाओं के कपड़े साड़ी की चोरी करता था। इसे पहनकर वो नाचता भी था, उसे ऐसा करने में मज़ा आता था। बगीचा SDOP निमिषा पांडे का कहना है कि इतने साल तक महिलाओं के कपड़े चोरी करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। अब केस के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। उस साथ ही उन्हें न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से चोर को पकड़ा जो महिलाओं के कपड़े चोरी करता था और महिलाओं के कपड़े को चोरी कर वो पहनकर उसे डांस करता था। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा।